गुड मॉर्निंग इलेवेंथ अप्लाइड मैथ क्लास। तो कल हमने प्रोडक्ट रूल सीख लिया था। जो नेक्स्ट है आपका वो है डिवाइड रूल। डिवाइड रूल को एक बार अच्छी तरह समझ लें। क्या होता है डिवाइड रूल? अगर दो फंक्शन यू अपॉन में वी आपस में डिवाइड है तो उसका डेरिवेटिव हम कैसे करते हैं? डी वाई डी एक्स, वी का स्क्वेयर वी डेरिवेटिव ऑफ यू माइनस यू डेरिवेटिव ऑफ वी। दिस इज द फॉर्मूला फॉर डिवाइड फंक्शन। तो आपके सामने अब मैं 15 क्वेश्चन लेता हूँ जिसकी प्रॉब्लम आई थी मेरे पास। बच्चे कहते थे सर ये समझाएं कि x माइनस के वन रूट एक्स प्लस में वन, इसको u मान लो इसको v, तो कैसे हो जाएगा ये रूट एक्स माइनस के प्लस के वन का स्क्वेयर। ये अब v ऐसे कैसा x प्लस वन, अब डेरिवेटिव करना u। u क्या है? x माइनस के वन, एक्स माइनस के वन में x का डेरिवेटिव कितना होगा? वन, और वन का कितना हो जाएगा? जीरो, तो वन माइनस u ऐसे कैसा x माइनस के वन। अब आपको डेरिवेटिव करना है v का, तो v का मुझे पता है कि x प्लस के वन की वन बाई टू है, तो वन बाई टू पावर आगे आ जाएगी x प्लस के वन की पावर माइनस के वन बाई टू, ये आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं इसको मैं सोल्व करूँ तो x प्लस में वन माइनस एक्स माइनस के वन वन बाई टू, नीचे टू आ जाएगा और ये पावर नीचे रूट एक्स प्लस के अपॉन में ये कैंसिल, तो एक्स प्लस के। इसको और भी सोल्व करना है तो आप ये दोनों एलसीएम ले लेंगे हम, तो एलसीएम कितना आएगा? टू रूट एक्स प्लस के वन। तो यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा टू एक्स प्लस में वन की पावर थ्री बाई टू। आप देख सकते हो वन पावर इसकी है यहाँ पर और हाफ इसकी है, तो कितनी हो जाएगी? थ्री बाई टू माइनस, इसकी यहाँ से कैंसिल हो जाएगी तो क्या बचाएगी? एक्स प्लस के वन मल्टीप्लाई में एक्स प्लस यहाँ भी थ्री बाई टू पावर हो जाएगी। तो इस टाइप से आप इन क्वेश्चनों को सोल्व करते हो कर सकते हो डिवाइड के क्वेश्चन। अब मान लो 16 क्वेश्चन दे रखा है एक्स स्क्वेयर माइनस के वन अपॉन में एक्स, ये यू हो जाएगा ये वी, एक्स का स्क्वेयर एक्स ऐसे कैसा डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वेयर टू एक्स, वन का जीरो हो जाएगा माइनस के एक्स स्क्वेयर माइनस के वन, एक्स का कितना हो जाएगा? वन, तो क्या बन गया? टू एक्स स्क्वेयर माइनस के एक्स स्क्वेयर प्लस के वन अपॉन में एक्स स्क्वेयर। तो आप देख सकते हो क्या बना? एक्स स्क्वेयर प्लस में वन अपॉन में एक्स स्क्वेयर, दैट इज द आंसर। तो इस टाइप से आप अपने डिवाइड क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हो। मैं और क्वेश्चनों को लिखता हूँ। अब मान लो मेरे पास है 17 क्वेश्चन में क्या बोल रखा है इन्होंने कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस के फोर अपॉन में 21 रूट एक्स, और फाइंड आउट करना हमने एफ डैश फोर। इसका मतलब ये है पहले इसका एफ डैश का मतलब होता है डेरिवेटिव, पहले इसका डेरिवेटिव करो। डेरिवेटिव करने के बाद जो एक्स है वहाँ पर फोर पुट करना है, तो फिर डेरिवेटिव करेंगे तो वो क्या आएगा? एफ डैश एक्स वन बाई 21 को तो बाहर रखें, कॉन्स्टेंट है ये, तो रूट एक्स का स्क्वेयर रूट एक्स ऐसे कैसा एक्स का वन हो जाएगा फोर का जीरो माइनस में एक्स माइनस के फोर ऐसे कैसा, और रूट एक्स का कितना होगा? वन बाई टू एक्स की पावर माइनस के वन बाई टू। अब इसमें आपने जहाँ पर भी एक्स यहाँ पर एक्स वहाँ पर फोर पुट कर दें, वन बाई 21 रूट फोर माइनस फोर माइनस के फोर सब जीरो बन जाएगा, क्योंकि फोर माइनस फोर जीरो है अपॉन में फोर। तो यहाँ क्या बचेगा? वन अपॉन में 21 मल्टीप्लाई में टू अपॉन में फोर, तो वन अपॉन में 42 आंसर आ जाएगा इसका। अब क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में आपने क्या करना है? इधर रखा रूट एक्स प्लस में वन बाई रूट एक्स का स्क्वेयर, तो सिंपल हो जाएगा पहले इसका फॉर्मूला लगाएंगे ए स्क्वेयर
प्लस में बी स्क्वेयर प्लस में 2ab। आंसर इससे कैंसिल इससे कैंसिल, तो क्या बनाइए x प्लस में 1 बाई x प्लस में 2। इसका डायरेटिव करो, x का डायरेटिव कितना होगा 1, 1 बाई x का कितना होगा, 1 बाई x का कैसे होगा ध्यान से देखें, 1 बाई x में ऊपर लेके जाएंगे पावर तो -k1 बन जाएगी, -k1 आगे x की -k1 -k1, तो बन जाएगा -k1 अपॉन में x स्क्वेयर और प्लस के। तो इस टाइप से आपने आज 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेने हैं 11th A के। ओके, थैंक यू।